चलिए, तो हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है ऋतुचक्र। ये ऋतुचक्र ही नाम नहीं, इसका बहुत सारे नाम है। आर्तव चक्र, रजोधर्म, मासिक धर्म, रज चक्र, माहवारी, स्त्री मासिक चक्र, बहुत सारे नाम हैं। तो कोई भी नाम से आप दिक्कत नहीं होना चीज़ में, है ना। तो पहले तो ये हम जानते हैं कि ये मासिक चक्र है क्या, ये किस में होती है। ये मादा प्राइमेट्स में होती है। अब प्राइमेट्स का मतलब क्या होता है कि जो मनुष्य वर्ग है, बंदर वर्ग है, उसको बंदर वर्ग हम लोग प्राइमेट्स बोलते हैं, ठीक है, मनुष्य वर्ग को, है ना। तो ऋतु स्त्राव को मैं 2 मिनट में पहले शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि वास्तव में इसमें कौन सी क्रिया होती है। तो ये मुख्य रूप से 4 चरणों में पूर्ण होती हैं, है ना। तो 4 चरण में पूर्ण होती है, उसके लिए क्या क्या होता है उसको देखिए। अभी मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल आपको कुछ समझा रहा हूँ कि कहाँ से प्रारंभ होता है ना। तो वास्तव में पहला चरण क्या होता है कि जब महामारी के बाद, कहा जाए कि महामारी जब प्रारंभ हो जाती है, यहाँ पर बाद लिख देगा जरूर, लेकिन प्रारंभ को बता रहा हूँ मैं कि महामारी के जो प्रारंभ होता है उस स्थिति में सर्वप्रथम जो गर्भाशय के जो अंदर का पतला स्तर है, ठीक है, जो पतला स्तर है, ठीक, उनकी स्थिति इस तरह से दिखाई देती है। पहले तो जानकारी दे दूँ कि क्या है। ये मादा जननांग है ना, ये फिम्बरी है, ये अंडवाहिनी है, ये अंडवाहिनी है, फिलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं उसको, फिम्बरी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अंडाशय ओवरी, है ना, इसको बोलते हैं यूटेरस, गर्भाशय, इसको बोलते हैं ग्रीवाणी, ठीक है, सर्वाइक्स, और यहाँ अंडाशय में ही अंडाणु विकसित होते हैं, है ना। तो पहले अगर महावारी प्रारंभ होती है ना, तो इस स्थिति में कौन कौन सी क्रिया होती है इसको देखिएगा। यहाँ पर जो गर्भाशय के अंदर का जो पतला स्तर होता है ना, उसमें बहुत सारी क्रिया होती है। एक्चुअली में होता क्या है मासिक धर्म में, कि जब मासिक धर्म में यहाँ जो गर्भाशय की जो दीवार है ना, ये गर्भाशय की दीवार है, इस गर्भाशय की दीवार है, उसका जो अंतः स्तर वो टूट जाता है और रक्त के रूप में, स्त्राव के रूप में बाहर निकलती है, और यहाँ से अंडाशय से अंडाणु निकलता है, और ये यहाँ होते, यहाँ पर जाता है अंडवाहिनी में। कहाँ जाता है? अंडवाहिनी में। यदि निषेचन की क्रिया हुई है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है भाई? यहाँ पर होती है अंडवाहिनी में। यहाँ से मनुष्य शुक्राणु अर्थात वीर्य, वीर्य के माध्यम से, वीर्य में होती है शुक्राणु, शुक्राणु यहाँ से होते हुए वो पहुंच जाती है अंडवाहिनी में। अगर अंडवाहिनी में पहुंच गई शुक्राणु और अंडाणु हैं, दोनों का संलयन हो गया था, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन और महामारी बंद हो जाएगी, ठीक है। यदि किसी कारणवश यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, तो वहाँ फिर से पुनः चक्र के रूप में वापस चलती रहेगी, चलती ही रहेगी प्रत्येक माह, है ना। तो इसको बोलते हैं ना, ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये पहला क्लियर कर लीजिएगा, इसको सबको एक साथ बता दें। तो यहाँ पर हुआ, हाँ, और इसको बता दें कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ ये अंडाशय है, अंडाशय में क्या होते हैं? पुटिका होती है। पुटिका में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। अंडाणु बन गए, अंडाणु यहाँ से बाहर निकलेगा, और अंडाणु फटेगा पहले ना, देखिए अंडाणु यहाँ से निकलेगा और यहाँ पहले फटेगा, और उसको अंडाणु का स्त्राव, अंडाशय से बाहर निकलना ही अंडोत्सर्ग कहता है, अर्थात अंडाणु को जो बाहर निकल जाता है उसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। मतलब जो अंडाशय है, उस अंडाशय के द्वारा अंडाणु मुक्त होती है ना, यही क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडा फट जाती है और इसको ये पकड़ता है, फिम्बरी पकड़ लेता है फट से, और फिम्बरी देखो यहाँ पर देखिए कि फिम्बरी इसको पकड़ लेता है ना, तो फिम्बरी के माध्यम से होती है कहाँ जाता है? ये अंडवाहिनी में जाता है, ये अंडवाहिनी में जाता है। तो अंडवाहिनी में यहाँ से वीर्य से होते हुए शुक्राणु है, नर शुक्राणु है, नर शुक्राणु है, वो निकलती है यहाँ होते हुए अंडवाहिनी में जाती है। यहाँ अगर चली गई तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है और महामारी रुक जाती है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। अगर नहीं होती है, ये थर्ड पॉइंट ना, ये दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो बता चुका हूँ। चौथा में क्या होता है कि यहाँ पर जो गर्भाशय की जो दीवार होती है वो टूट जाती है। यहाँ से गया हुआ कौन गया? यहाँ पर अंडाणु है, यहाँ अंडाणु, यहाँ पर निषेचन नहीं हो पाता है, और वही रक्त स्त्राव के रूप में यहाँ योनि से होते हुए बाहर निकल जाती है। यही मासिक चक्र है, बस ख़त्म, और कुछ नहीं है ना। तो इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, चलिए ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल चलते हैं। पहले मासिक चक्र को मैं डिटेल्स करूँगा परिभाषा टाइप से, उसके बाद एक एक अवस्था, चारों अवस्था को बताऊँगा मैं कौन सा क्या होता है। तो पहला है ऋतु चक्र, है ना। तो यह चक्रीय परिवर्तनों का एक क्रम है, क्रम है मतलब लगातार होते रहता है, अगर गर्भधारण की क्रिया नहीं होती है तो। यह चक्रीय परिवर्तन का एक क्रम है जो कि रजोदर्शन, अब रजोदर्शन का मतलब ये होता है कि प्रारंभिक, जब पहली बार कहा जाए महामारी प्रारंभ हो जाती है, जब लगभग लगभग 12 से 14 वर्ष में, इसको रजोदर्शन कहते हैं। और रजोनिवृत्ति मतलब क्या होता है कि जब
अंतिम अवस्था आती है ना, अंतिम अवस्था नहीं लगभग कहा जाए 40 से 50 वर्ष की अवस्था है, उस अवस्था में जो रज चक्र है वो बंद हो जाती है, मासिक चक्र लगभग लगभग बंद ही हो जाती है, उसको रजनिवृत्ति कहते हैं ना। तो यह चक्रीय परिवर्तनों के क्रम है जो रजोदर्शन से लेकर प्रारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति तक मादा प्राइमेट्स मतलब बंदर वर्ग या मनुष्य, ठीक है। तो मादा प्राइमेट्स के अंडाशय होती है, अभी अंडाशय चित्र दिखाया मैं, अंडाशय प्रजनन मार्ग जो गर्भाशय के जो प्रजनन मार्ग है उसको प्रजनन मार्ग बोलेंगे, अंडाशय प्रजनन मार्ग व हार्मोन्स स्त्राव में होते हैं, मतलब इस स्थिति में जब ये चक्र चलती है उसमें बहुत सारे हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं, और एक चीज़ में कन्फ्यूजन मत करना, एंड्रोजन मत बोलना, एंड्रोजन है वो नर हार्मोन से, ठीक है, एस्ट्रोजन है वो मादा हार्मोन से, है ना। तो अंडाशय प्रजनन मार्ग का हार्मोन स्त्राव में होते हैं। तो यहाँ चक्रीय परिवर्तन का एक क्रम है जो कि रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक मादा प्राइमेट्स के अंडाशय प्रजनन मार्ग व हार्मोन स्त्राव में होते हैं, मतलब अंडाशय में ही यह क्रिया संपन्न होती है, प्रजनन मार्ग और हार्मोन स्त्राव के जो कार्य होता है इन्हीं में ही क्या होता है संपन्न होते हैं, ऐसे बोला जा रहा है। कौन क्या संपन्न होता है? रजोधर्म या मासिक चक्र, ठीक है। यह चक्रीय परिवर्तन का क्रम है जो रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक मादा प्राइमेट्स के अंडाशय प्रजनन मार्ग हार्मोन स्त्राव में होते हैं। इस क्रिया में जो प्रजनन मार्ग है, ठीक है, उस प्रजनन मार्ग का अंतःस्तरक, प्रजनन मार्ग कौन है? सीधी बात, गर्भाशय है। इस क्रिया में प्रजनन मार्ग का अंतःस्तर है वो कुछ रक्त के साथ रज स्त्राव रूप में क्या होता है बाहर निकलता है, इतना लिखिएगा आप, है ना। जो छोटे लेवल के बच्चे हैं वो इतना तक ही लिख लीजिएगा, जो बीएससी लेवल है वो आगे लिख सकते हैं, 12वीं लेवल है, हाई हर है वो आगे लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी सब छोटे से 2 नंबर के लिए, अगर 4 नंबर में आता है तो आगे चलते हैं। चलिए, इसकी प्रारंभिक अवस्था है आर्त अवस्था, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेस, है ना। तो इसको मैं कुछ डिटेल्स को मैं लिख नहीं रहा हूँ, कुछ डिटेल को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है आर्त अवस्था या रज स्त्राव अवस्था भी कहते हैं इसको, है ना, इसको लिख लीजिएगा आप, रज स्त्राव अवस्था। तो यह चक्र स्त्राव शुरू होने के पहले दिन होती है, ठीक है। यहाँ जो रज स्त्राव अवस्था है अर्थात आर्त अवस्था है, तो यहाँ मतलब यह अवस्था लिख देना आप, यह अवस्था रज स्त्राव शुरू होने के पहले दिन प्रारंभ होती है, इसकी अवधि लगभग 3 से 5 दिन होती है। क्लियर हो गया ना, आप रिपीट करके पीछे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रज स्त्राव का प्रारंभ है ना, वो एस्ट्रोजन, मैंने बताया एस्ट्रोजन, एंड्रोजन मत लिखना, एंड्रोजन नर वाला है, ठीक है। तो रज स्त्राव का प्रारंभ है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की अचानक कमी के कारण होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट में चलते हैं, तो उस स्थिति में आर्त अवस्था प्रारंभ होगी ना। अब सेकंड में चलते हैं, पश्च आर्त अवस्था, ठीक है, अर्थात ये आर्त अवस्था है, ये पश्च आर्त अवस्था है, ये अंडोत्सर्ग अवस्था है, अंडोत्सर्ग अवस्था है, ठीक है, थर्ड नंबर का। तो दूसरा नंबर क्या होता है कि दूसरा नंबर में लोग क्या लिखेंगे कि यह अवस्था ऊपर में कौन सा अवस्था है? आर्त अवस्था। नीचे में कौन सा अवस्था है? अंडोत्सर्ग अवस्था। तो पहला पॉइंट लिखने का ये है कि यह अवस्था आर्त एवं अंडोत्सर्ग के बीच की अवस्था है, ठीक है, एकदम लिख लेंगे ना कि यहाँ आर्त अवस्था एवं अंडोत्सर्ग अवस्था की बीच की अवस्था होती है, है ना। इसीलिए इसे पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था भी कहते हैं, पूर्व अंडोत्सर्ग है, ठीक है। तो इतना करेंगे कि यह अवस्था आर्त अवस्था एवं अंडोत्सर्ग अवस्था के बीच की अवस्था है, इसलिए इसे पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था भी कहते हैं, है ना। स्त्री में अब आगे लिखेंगे कि स्त्री में इनकी अवधि लगभग 8 से 10 दिन होती है, वो पहला वाला 3 से 5 दिन होता था ना, ये 8 से 10 दिन, मतलब पूरा कंप्लीट अपने को 30 दिन बताना है ना, 1 माह बताना है, इसलिए इसका नाम मासिक चक्र है। तो 3 से 5 दिन में नॉर्मली जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है उसकी कमी हो जाती है, ठीक, वही प्रारंभ हो जाती है। दूसरे अवस्था में क्या होता है कि इसकी अवधि 8 से 10 दिन होती है, है ना। यहाँ पर क्लियर कर लेंगे आप लोग, ऊपर में जो बोला उसको रिपीट करके देख लीजिएगा पीछे करके। तो स्त्री में इसकी अवधि है 8 से 10 दिन होती है ना। इस अवस्था में जो एस्ट्रोजेन हार्मोन्स है कई स्त्राव अधिक होता है। अच्छा, पहले नंबर में भाई
हार्मोन्स की कमी होगी तो हार्मोन्स का स्त्राव होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो इस स्थिति में हार्मोन्स एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्त्राव अधिक होता है। तीसरा आपका पॉइंट बनता है अंडोत्सर्ग अवस्था, मतलब इसी अवस्था में जो अंडाशय, अभी बताया ना मैं, ये अंडाशय है, अंडाशय से क्या निकलेगा, अंडाणु, अंडाणु को कौन पकड़ेगा, फिम्ब्री, फिम्ब्री से कहाँ जाएगा, अंडवाहिनी, यहाँ से क्या जाएगा, शक्राणु, शक्राणु अर्थात वीर्य, वीर्य में शक्राणु रहता है, वहाँ शक्राणु से जाएगा अंडवाहिनी में, यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन। अगर यहाँ से शक्राणु नहीं जाता है तो किसी कारणवश ये अंडाणु यहाँ आ जाएगा और गर्भाशय की दीवार के साथ ये नीचे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अंडोत्सर्ग अवस्था, अंडोत्सर्ग अवस्था क्या है कि अंडाणु मुक्त होने की प्रक्रिया ही अंडोत्सर्ग कहलाती है। अंडाणु कहाँ से बनता है भाई, अंडाशय से, अंडाशय में अंडाणु बनता है ना, तो अंडाणु मुक्त होने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं, अर्थात अंडाणु मुक्त होने की प्रक्रिया ही अंडोत्सर्ग कहलाती है। यह 14वें दिन होती है ना। इस अवस्था में अंडाशय में स्थित जो ग्रेफियन पुटिका है, डिम्ब पुटिका, हम लोग जब अंडाशय की संरचना पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे डिम्ब पुटिका, डिम्ब पुटिका है ना, ये नाम है, ये अंडाशय की जो संरचना पढ़ेंगे उसमें है ना। तो अंडाणु मुक्त होने की प्रक्रिया ही अंडोत्सर्ग कहलाती है, यह 14 दिन में होती है। इस अवस्था में अंडाशय में स्थित जो ग्रेफियन पुटिका है वो फट जाती है, अंडाशय है उसमें पाया जाता है ग्रेफियन पुटिका, ठीक है, वो फट जाती है और फटने के बाद एक अंडा मुक्त हो जाती है, यहाँ से अंडाणु मुक्त हो जाती है, ठीक है। और इसको अंडाणु मुक्त होने के लिए कौन प्रेरित करता है, LHC, इसे LHC प्रेरित करता है, लिख देना, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नाम है इसका नाम है, ठीक है। तीन अवस्था, चौथा अवस्था होती है कि इसे पूर्व रज स्त्राव अवस्था भी कहते हैं, है ना, पूर्व रज स्त्राव प्रावस्था भी कहते हैं, रज स्त्राव ऊपर है ना, ठीक है। यह प्रावस्था 15 से 28 दिन है, ये 14 दिन हो जाता है, पहला नंबर तीन से 5 दिन था, दूसरा क्या था 8 से 10 दिन था, और तीसरा क्या था 14 दिन था, और ये लास्ट है 15 से 28 दिन का होता है, कम्प्लीटली 1 माह का है ना। तो इसे पूर्व रजावस्था भी कहते हैं। यह 18 दिन चलती है। अंडोत्सर्ग के पश्चात जो कार्पस ल्यूटियम होती है, अच्छा अंडाशय की संरचना पाता है कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम है, इस कार्पस ल्यूटियम का कार्य यह है कि वह अनेक प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करते हैं, एस्ट्रोजन एंड्रोजन अनेक प्रकार के हार्मोन्स क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। तो अंडोत्सर्ग के पश्चात जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है, निर्माण होता है, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, उसकी जानकारी बाद में दी जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं, है ना। और इसमें अंतःस्रावी का निर्माण करता है, सॉरी, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह क्या करता है, कार्य करता है, एवं इससे जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्ट्रान है, हार्मोन्स का क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में स्त्रावन होता है, है ना। ये हार्मोन्स क्या करता है जानते हो, ये हार्मोन्स क्या करता है, ये अंडाणु को, निषेचित अंडाणु को ना, जो निषेचित हो जाती है अंडाणु, जब वीर्य पहुँच जाती है, मैंने बताया वीर्य पहुँचती तभी अंडाणु निषेचित हो गई है ना, तो ये निषेचित जो अंडाणु है उस अंडाणु को गर्भाशय के भीतर से जोड़ने का कार्य करती है, रोपण करने का कार्य के लिए तैयार करती हैं, ठीक है। ये कंप्लीट ऋतु चक्र, मासिक चक्र 4 स्टेज में है ना, और इसमें लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना, नहीं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल में जाकर आप इसको लाइक शेयर मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।